कमिश्नर सिबी डिवीजन सैयद फैसल आका ने कहा है कि सिबी डिवीजन में जारी तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिबी डिवीजन में जारी मंसूबों को बरवक्त तकमील तक पहुंचाया जाएगा ताकि अवाम के मयार जिंदगी बुलंद हो सके। कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के साथ साथ मानसून बारिशों में सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हम सब ने अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिबी डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर के साथ वीडियो लिंक इजलास में खिताब करते हुए किया। वीडियो लिंक इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मीर रहमतुल्ला गश्कोरी, रिवीजनल डायरेक्टर तरक्यात राजा वकारुल जमान कयानी, असिस्टेंट कमिश्नर नकीबुल्ला काकड़, असिस्टेंट कमिश्नर सिबी अनायतुल्ला खान कासी, एक्सीएन BNR सिबी बशीर अहमद नासिर, PA2 कमिश्नर जिशान बशीर समेत दीगर अफसरान शरीक थे। इजलास में मौजूद सूरत हाल का भी तफसीली जायजा लिया गया और इजलास में तरक्याती स्कीमात की पेशरफ्त, मिकवेड, COVID-19, मानसून बारिशों से निपटने के लिए हंगामी मंसूबे और कोरोना वायरस से बचाव और हुकूमती अहकामात समेत SOPs पर अमल दरामद के लिए मशावरत की गई और इजलास में अहम फैसले किए गए। सलीम गश्कोरी, मशरिक न्यूज, सिब्बी।